बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के एक प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स और गवर्नेंस जो हैं वो बुनियादी थीम्स हैं हमारे थिंक टैंक के। जैसा कि आप आजकल जानते हैं कि कच्चे के डाकुओं को लेकर बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे सरफेस हुई हैं और एक डिबेट हो रही है कि क्या पुलिस की ये कैपेसिटी है कि वो डाकुओं के खिलाफ और इस तरह के जो आउटलॉज ग्रुप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वी विल बी टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट सिंध पुलिस। इससे पहले हमने अपने इंट्रोडक्शन में एक जो CM है सिंध के, उनकी 2022 की वीडियो शेयर की है जिसमें वो यही कह रहे हैं कि जो पुलिसिंग है, पुलिस एक्सक्लूसिवली प्रोविंशियल एक सब्जेक्ट है और जो सिंध पुलिस सर्विस है उसको कायम होना चाहिए, उसके फंक्शंस बेहतर होने चाहिए और जो सिंध में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं वो सिंध पुलिस सर्विस के क्याम से हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सरबराह प्रेसिडेंट ताहिर मसूद चीना साहब हैं, खुद पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। हम उनसे आज बात करेंगे कि कच्चे के डाकुओं को लेके या इस तरह के जो दूसरे आउटलॉ ग्रुप्स हैं उनको कैसे प्रोविंशियल पुलिस सर्विस की कैपेसिटी बेहतर करके मैनेज किया जा सकता है। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपने मुराद शाह साहब की स्पीच सुनी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब तक सिंध पुलिस सर्विस नहीं होगी तो हमारी पुलिसिंग के इश्यूज रहेंगे, इसके बारे में आप क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराद अली शाह साहब की ये जो वीडियो है ये दिसंबर 2022 में सरफस हुई और उसके बाद ज़ाहिर है हुकूमतों की तब्दीली आनी शुरू हो गई और उसके बाद इलेक्शन हुआ और अब ये जो हुकूमत है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये अगले 5 साल पूरे करेगी तो अब उनके पास कह सकते हैं, वैसे चलें हम ये कह तो सकते हैं ना, होती है या नहीं होती इसका तो पता नहीं है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब अगेन वज़ीर आला हैं और पिछले 10 और प्लस 11 साल से तकरीबन इस वक्त वो वज़ीर आला के तौर पे काम कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि उनको इस बात का अदराक हो गया है कि ये जो पुलिस है ये प्योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल मामला है। और उन्होंने अपनी उस तकरीर में जो फरमाया है कि अब वो जो है वो पुलिस सिंध पुलिस सर्विस का क्याम अमल में लाने जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि जो सिंध का कच्चे का इलाका है ये इनफैक्ट बाउंड्री है, ये एक ट्राइंगल है जो पंजाब सिंध और बलूचिस्तान के जो जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ये वो दरिया सिंध का जो कच्चे का इलाका है उसको ये कहते हैं, वहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं वो उन्होंने हब बनाई हुई है वहाँ पे और उनका जो तरीकाकार है बाद का तो पंजाब से टेलीफोन पे जो खातून बन के किसी को फ़ोन करके ट्रैप करके ले जाते हैं और वो जो उस एरिया के इर्द गिर्द के इलाके हैं जैसे कश्मीर है, जैसे सादिकाबाद है, जैसे घुटकी है, उस इलाके से बराह रास्त बंदों को भी उठा के ले जाते हैं और ये हज़ारों एकड़ नहीं बल्कि लाखों एकड़ पे मुहित जो है ये इलाका है, एरिया है और जो हर साल सैलाब आता है तो ये सारा का सारा लोग जो है वादी से तकरीबन खाली हो जाता है और उसके बाद सैलाब जैसे पानी उतरता है तो लोग दोबारा सरे से उसको आबाद करते हैं और यहाँ पे जो ज़मीनें हैं उनकी इस तरह डिमार्केशन रह नहीं जाती उस सैलाब की वजह से, तो वो वहाँ पे एक किस्म की पार्टियाँ और ग्रो बने हुए हैं। चलिए, ये तो एक चैलेंज है ना, एक कच्चे का चैलेंज है, फिर शहरों के सबब्स के चैलेंजेस भी हैं, पुलिस को चैलेंजेस तो हैं ना क्रिमिनल्स से। अभी तो हम एक वो से कह लें कि केस स्टडी के तौर पे कच्चे की बात कर रहे हैं। प्रोविंसेस में जो पुलिस है उसकी कमांड जो है वो PSP के पास है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो कि फेडरल पुलिस सर्विस है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, ना वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मातहत है, ना वो प्रोविंशियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मातहत है। और जो प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ हैं वो सबॉर्डिनेट उनकी सर्विस है, वो रैंक्स उनके DSP तक जाते हैं। तो यहाँ पे दो पुलिस सिस्टम्स हैं, दो पुलिस फोर्सेस हैं, दो तरह के पुलिस के लॉज हैं, तो ये कैसे मुमकिन है एक कमांड में दो तरह की पुलिस? जी बिल्कुल, आप ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है और इसमें थोड़ी बात लंबी कर जाता हूँ तो फिर शायद आपको आपका प्रोग्राम है सर। तो सर ये देखिए, ये बदकिस्मती से जो इस वक्त पुलिस के अंदर जो हायरार्की है वो मैं इसको कहता हूँ कि कारकुन और हैं और जो कमांड करने वाले हैं वो कोई और लोग हैं।
ये यहाँ पे अगर इसकी बैकग्राउंड वही है जो ब्रिटिश रूल्स यहाँ आए हुए थे, वो सारी चीज़ें हम कई दफ़ा अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि दो अलहदा अलहदा ग्रोह हैं, दो अलहदा ये बैठते भी इकट्ठे नहीं हैं। एक जी है ये जो है थानेदार हैं, ये DSP है, जिनको रैंकर्स कहते हैं, जिनको रैंकर्स कहते हैं। हालांकि हर बंदा जो एक रैंक से दूसरे में जाता है तो रैंकर बन जाता है, वो SPS है। अच्छा, इसमें आप ये देखिए जो लेकिन आपकी बात कंप्लीट होगी, मेरा वो एक लुकमा है छोटा सा कि जो फेडरल पुलिस सर्विस है उसके इंटरेस्ट दूसरे होंगे, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस के इंटरेस्ट दूसरे होंगे, इलाके को लेके, प्रोविंसेस को लेके, लॉ को लेके, ऐसा भी है। अच्छा सर देखिए ये भी है, लेकिन आप देखिए जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग क्या चीज़ है, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, लोगों के मसाइल हैं, लोगों के साथ जुर्म हो रहा होता है। पुलिस जो है उनको, अब जो बंदा लाहौर का है वो सिंध में जॉब कर रहा है, या फर्ज करें फॉर दैट मैटर वो पेशावर से है, तो उसका वो इंटरेक्शन ही नहीं है मकामी लोगों से। पुलिस में जो है उसका बड़ा ज़रूरी है कि जो पुलिस के रूल्स हैं ना सर, उसमें लिखा हुआ है कि अमन अमान का क़याम रखना जो हर शहरी का इनफरादी फ़र्ज़ है, और पुलिस और मजिस्ट्रेसी उसकी मदद करेगी। तो वो मतलब ये हुआ कि अगर जो पुलिस अफसर है उसका इंटरेक्शन होगा, उसका लोगों के साथ तल्लक होगा, वो लोगों को बात कन्वे कर सकेगा, लोग फ्रीली उसके पास आ सकेंगे। अभी तक हम इतने आज़ाद नहीं हुए, अभी भी हम अपनी ज़ात पात और उसमें फंसे हुए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जिसकी ज़बान और है, वो आपकी ज़बान समझता नहीं है, सिंध में और बोली बोली जाती है, KP में और बोली जाती है, बलोचिस्तान में, तो सब वो मुश्किल है कि आपके पास एक आम आदमी आता है और वो आप अपनी बात समझा नहीं पाता, या आप उसकी बात समझ नहीं सकते। इसको भी ऐसे देख सकते हैं कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट है ना, जैसे फॉरेन सर्विस है जी, अब फॉरेन सर्विस फेडरल गवर्नमेंट ने उसको रन करना है, प्रोविंसेस तो नहीं कर सकते ना, लोकल गवर्नमेंट्स भी नहीं कर सकती। कम्युनिकेशन है फेडरल गवर्नमेंट करेगी, डिफेंस है फेडरल गवर्नमेंट करेगी। अब जो प्रोविंसेस के आ सकते हैं थोड़ी सी डेवोल्यूशन की नेचर के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो प्रोविंसेस की क्योंकि फेडरेशन में वेरिएशन होती है वो चले जाते हैं, और कुछ तो बिल्कुल डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं। सर मैं पुलिस तो डिवॉल्व सब्जेक्ट है ना? मैं जो बात कर रहा था ये आम आदमी की बात है, जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल किताबी बात है। अब हम किताबी बात करेंगे तो आइन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये जो 240 है आइन का आर्टिकल, बड़ा क्लियर है कि जो सूबे के मामलात हैं वो सूबा नेचर है, मतलब तीन तरह के मामलात हैं, लोकल सतह के हैं, प्रोविंस के हैं, और फेडरेशन की नेचर के लिहाज से। अच्छा अब हम बात करते हैं कच्चे के ऑपरेशन, फर्ज करें कि आप पुलिस ने, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, यू हैव बीन अ वेरी हाई प्रोफाइल ऑफिसर, कच्चे में ऑपरेशन होना है। अब जो कमांड है अगर वो उस एरियस को जानती ही नहीं, उसके कल्चर को नहीं जानती, उसके दूसरे नहीं जानती, आपने पॉलिसिंग की है, फोर्स से पहले भी बड़ी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं, तो कितना ज़रूरी है सिंध पुलिस सर्विस का होना और SO ऑफिसर्स का होना जो लोकल डायनामिक्स को जानते हैं, व्हेन इनहेरेंटली पुलिसिंग शुड बी एट ग्रास रूट लेवल। मैं इसकी एक स्टोरी सुनाऊंगा जी जी, 30 सेकंड की, तो आपको बात समझ आ जाएगी जी जी। मैं भी उसमें शामिल था, मैं DSP था रहीम यार खान सिटी में, और वहाँ पे एक ऑपरेशन किया कच्चे का, ज़ाहिर है वो पंजाब के इलाके में था, तो 400 लोगों ने ऑपरेशन किया। जब ऑपरेशन प्लान हो गया तो उससे ऑपरेशन जाने से पहले मेरा कुछ, मेरे और कुछ लोगों के और भी इतराज़ात थे, बट जो कमांड थी उसका कहना नहीं ये नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे गए, जो पहला अटैक था उसमें 3 लोग डाकू जो थे मर गए और बाकी रिट्रीट कर गए। उस 400 लोगों में से 20 बंदे पुलिस के डाकुओं ने पकड़ लिए जो मुसल्ला थे, ठीक है जी, और फिर ले गए, और जब उनको पता चला कि पुलिस का बंदा, पुलिस ने हमारे बंदे मार दिए, तो उन्होंने भी पुलिस का एक बंदा शहीद कर दिया। उसमें बाद में जो पुलिस ने वो अपने अफसरान और लोगों को छुड़ाया गुफ्तगू से, नेगोशिएशन, किसी को दरमियान में डाल के, वहाँ पर लोकल जो सरदार थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर वो कमांड उस वक्त उस इलाके की या पंजाब की या उस इलाके की होती तो शायद ये मामला। अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है कि अगर लोकल इंस्टीट्यूशन मजबूत हो तो ये क्राइम इस तरीके से बढ़ता ही नहीं, बढ़ता नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रियासत अलाउ नहीं कर सकती कि वो अपने आउटलॉज से भी मुज़ाकरात करे। रियासत ने टर्मिनेट करना है और ज़ाहिर है रियासत ने अपने इम्प्लीमेंट करनी है। आपके ख्याल में पुलिस की कैपेसिटी है जी देखिए
कच्चे के ऑपरेशन करके इसको रिट रियासत की पोस्ट कर। बिल्कुल कैपेसिटी है पुलिस की, पुलिस में ऐसा नहीं है कि पुलिस की कैपेसिटी नहीं है, पुलिस की कैपेसिटी है और हमेशा से पुलिस ही करती आई है। हाँ, कुछ अरसा जाए छोटू गैंग था, उसमें गैंग्स बनते रहते हैं उसमें ज़ाहिर है फौज को भी इन्वॉल्व किया गया और ये कतई तौर पे कानूनी बात है ना कि अगर आप फौज को तलब करते हैं तो वो ज़ाहिर है उन्होंने मदद के लिए आना है। पुलिस की कैपेसिटी मौजूद है, ऐसा नहीं है। पुलिस के लिए प्रॉब्लम जो वही वो ही बार बार आ रही है कि जो लीडरशिप है, जो पुलिस की लीडरशिप है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडरशिप है या सब डिविजनल लेवल, उसका वो उतना रब्ता नहीं है अपने उन लोगों के से जो इनफेक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे। आप देखिए ना कितने लोग शहीद हो गए हैं वहाँ पे, बहुत मतलब ये एक बड़ा सब्जेक्ट किस्म की। अच्छा, मैं अब आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ, कच्चे का ऑपरेशन पुलिस कैसे कामयाब कर सकती है? एक ही तरीका है, वो जो सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, वो सिंध पुलिस सर्विस बनाएंगे और सिंध पुलिस सर्विस होगी तो जो लोग वहाँ से आएंगे उनको ये पता होगा कि हमने हमारे पास स्कोप है कि हम एसपी और एसएसपी और डीएजी और आईजी बन सकेंगे, तो वो ज़्यादा दिलजमी से काम करेंगे। और जो उससे पहले दायरे मॉनिटरिंग भी है, उससे पहले स्पाइंग भी है, पूरे ऑपरेशंस हैं, वो बेहतर हो सकेंगे। बिल्कुल आपकी बात में वजन है। तो आपके ख्याल में पुलिस सर्विस जो है, प्रोविंस का डिपार्टमेंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो पीएसपी है उनकी तैनाती वहाँ पे, कौन सी चीज़ मुश्किलात में आ रही है? जैसा कि आपको पता था कि सिंध पुलिस सर्विस के रूल्स भी बन चुके थे लेकिन फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, और उसमें जो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे पीटीआई के हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने भी किसी पीएसपी का लिखा हुआ लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को, विच वॉज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो पीएसपी है उनका एक असर सूख है पॉलिटिशियंस के ऊपर, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ें गलत लाम हैं और चूंकि मुसलसल चली आ रही हैं, और बदकिस्मती से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे सियासी लीडर हैं, वो उस किताब को नहीं पढ़ते जिसने ये गवर्नमेंट को रन करना है। वो उनको अगर वो पढ़ लें, मतलब आप एक ऐसी किताब है जिसके सिर्फ 280 आर्टिकल हैं, छोटी सी बरीक सी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, उसको पढ़ना है। और उसका भी ये एक उसमें से भी चार सफ़े हैं जो सर्विसेज को डील करते हैं, और उसमें से भी तीन उसकी दफ़ात हैं जो एक सफ़े पे लिखी 240 A, B और जो एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और वो सारा लेते हैं 241 का, बट वो एक सफ़े पे सारी, वो तो एक पूरी एक फेडरल पार्लियामेंट स्कीम की निगेशन है ना। तो अब वो पढ़ लें और उनको पता हो कि हाँ ये हमारा इख्तियार है, तो बिल पास करना है असेंबली में, और अपने सिंध पुलिस सर्विस, पंजाब पुलिस सर्विस या प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, क्योंकि उसके काउंटर या उसके पैरेलल जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो भी काम कर रही हैं। देखिए, ये जो ये इसकी बुनियाद ये थी, जब अंग्रेज़ कहते थे कि यहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं और हम पढ़े लिखे लेके आते हैं वहाँ बरतानिया से, भाई आप तो अब पुलिस में जो है पंजाब की बात करें, 98 के बाद पुलिस ने कोई ऐसी खुद भर्ती नहीं किया। अब आखिरी क्वेश्चन, सब लोग ग्रेजुएट और उससे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। आखिरी क्वेश्चन, अगर प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हो सकती हैं तो फिर जो पुलिस प्रोविंशियल सर्विसेज हैं वो क्यों नहीं हो सकती? हाँ, देखिए सर, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, आप इसका नतीजा क्या निकला कि इसको अभी ना डिस्कस करें। अब ये देखिए कि क्या ये आपकी आईनी रिक्वायरमेंट है? आईनी रिक्वायरमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, तो आपने उसके आपने आईन के मुताबिक चलना है ना। आप उसके बाद आके मेरिट क्या होगा, बंदों को ट्रेनिंग क्या होगी, ये तो बात की बातें हैं। सो आप इसी तरह जिस तरह प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है आपने कहा, और चारों सूबों में, तो इसी तरह चारों सूबों में जो प्रोविंशियल पुलिस सर्विस है उसका भी वजूद होना चाहिए। जी नाजरीन, आपने हमारी डिस्कशन सुनी। हमारे थिंक टैंक के बुनियादी थीम गवर्नेंस और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हैं। पुलिसिंग जो है वो प्रोविंशियल एक सब्जेक्ट मैटर है। प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जो होम डिपार्टमेंट्स हैं उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में जो आर्टिकल 139 के तहत रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं, उसमें इट बिलोंग्स टू प्रोविंशियल डिपार्टमेंट। सिंध पुलिस सर्विस का क्याम ज़रूरी है, इस तरह बाकी सूबों में भी जो पुलिस सर्विसेज हैं उनका क्याम ज़रूरी है, क्योंकि जो इदारे अगर आइन के मुताबिक खड़े होंगे, उनके ऑपरेशंस आइन और कानून के मुताबिक होंगे, स्ट्रक्चर्स उनके मुताबिक होंगे, तो पुलिसिंग या बाकी इदारे बेहतर हो सकते हैं। आपको अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।